वो भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ते हैं, वहां भी एमआर जब सुनाते हैं कि भगवान जो ज्ञान देते हैं नर अर्जुन को वो उसे नारायण बनाने के लिए देते हैं, नारी द्रौपदी जो ज्ञान लेती है उस ज्ञान से नारी द्रौपदी नारायणी बनती है, तो ये उनका अहम ऑब्जेक्ट हुआ। परंतु वहां वो गीता पढ़ने से कोई बनता है क्या? नर से नारायण कोई आज तक बना? नारी से लक्ष्मी कोई बना? नारायण नाम देते हैं तो जैसा नाम है वैसा अर्थ भी प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। नारायण का अर्थ क्या है? नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका घर कहाँ हो? ज्ञान जल में ही जिसका घर हो, जैसा चित्र में बाबा ने दिखाया है लक्ष्मी नारायण को कहाँ खड़े हैं, अमेरिका का चित्र दिखाया है कि रसिया का चित्र दिखाया है, समंदर का चित्र दिखाया है कि आसमान दिखाया है, क्या दिखाया है, कहाँ खड़े हैं? अरे भारत में खड़े? नहीं, भारत का चित्र नहीं है। अरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, कहाँ खड़े हैं? यानी रोशनी ही रोशनी में खड़े। इसलिए शिव के मंदिरों में जब पूजा करने जाते हैं तो लोगों को ये पता नहीं है हम किसकी पूजा करने जाते हैं, ऐसे ही शिवलिंग बनाकर पूजा करते रहते हैं। अभी बाप ने हमको समझाया है ये जो लिंग है ज्योतिर्लिंगम जिसे कहा जाता है वो क्या है? वो नारायण का रूप है, प्रैक्टिकल साकार रूप, जो ज्ञान की बातों में रमण करता रहता है, ज्ञान की रोशनी में रमण करता रहता है, ज्ञान ही उसका घर है। और उसमें बिंदु दिखाते हैं, शिवलिंग में क्या दिखाते हैं? बिंदु, वो सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता की यादगार है। तो नाम देते हैं नारायण, समझते नहीं है कि नारायण कैसे अभी हमारी बुद्धि में बैठ गया है।